अरे ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब देखो बिस्लेरी को ले लो, पिया है बिस्लेरी, पता है सबको, बेवकूफ़ भी कटा होगा, बिस्लेरी लेने गए होगे, बिस्लेरी लेके आए होगे, हुआ है ना। अब देखो ये बिस्लेरी जब इंडिया में आई थी ना पहली बार, तो इनका पूरा बिजनेस फेल हो गया था। अरे जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है उसको कोई खरीद के क्यों पीता, 64-65 में आई थी, पूरा फेल हो गई थी, पैसा ही नहीं थे लोग के पास, खरीद के पीते कैसे, पानी थोड़ी खरीदेंगे, खाने को पैसे नहीं है। बट जब चौहान ब्रदर्स ने इसको टेक ओवर किया है 69-70 के करीब, तो फिर प्रॉफिट शुरू हो गया उनको, क्योंकि उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के गेम को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने ये समझा कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स, इन सब जगहों पे बॉटल्ड वाटर की ज़रूरत है, और वहाँ पे बॉटल वाटर सप्लाई देने लगे। और इस तरीके से फिर बिस्लेरी ने अपना बिजनेस सेटअप किया, और इसी तरीके से सिर्फ 4 लाख में खरीदी हुई कंपनी आज 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन रखती है। दैट्स द रीजन, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई।